अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट मंडे चैम्पियंस और इंस्टाग्रामर जीत के लिए हुए थे आमने सामने, जिसमें चैम्पियंस जीत की बाजी ले उड़े और इंस्टाग्रामर ने देखते ही रह गए, जिस पर चैम्पियंस के फैंस को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई लेकिन इंस्टाग्रामर के फैंस खामोश नहीं रह सके। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इंस्टाग्रामर के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ ये है कि इंस्टाग्रामर के फैंस इंस्टाग्रामर के हारने पर खामोश नहीं रह सके। उन्होंने इंस्टाग्रामर के हारने पर इंस्टाग्रामर के फैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि गेम शो ऐसे चलेगा, मैं चैम्पियंस मेहनत से नहीं बल्कि चीटिंग से जीते हैं। और साथ ही इंस्टाग्रामर के फैंस ने बहुत से प्रूफ दानिश तैमूर और गेम शो ऐसे चलेगा के प्रोड्यूसर के सामने रख दिए, जिस पर दानिश तैमूर और गेम शो ऐसे चलेगा के प्रोड्यूसर ने एक्शन लिया और उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू अनाउंस किया कि अब वक्त आ गया है कि तमाम सवालों का जवाब दिया जाए। गेम शो ऐसे चलेगा में इंस्टाग्रामर और चैम्पियंस एक बार फिर आमने सामने होंगे और जो मेहनत करेगा वो जीत की बाजी ले उड़ेगा, जिस पर इंस्टाग्रामर और इंस्टाग्राम के फैंस तो बहुत ज़्यादा खुश हुए लेकिन चैम्पियंस खुश नहीं हुए। चैम्पियंस में आमिर सियाल भड़क उठे और उन्होंने कहा कि भीख में दी हुई जीत नहीं चाहिए, वी आर रेडी फॉर इट, हम रोते नहीं, और जो कह रहे हैं भीख में जीत मिली है तो मेरे भाइयों और बहनों, रमज़ान लीग में जो फाइनल हुआ था वो आप यूट्यूब पर देख लें और लास्ट मैक्टिक ने सेगमेंट में भी देख लीजिएगा और फिर दिल पे हाथ रख के बता दीजिएगा कि भीख में जीत किसको मिली थी। इंस्टाग्रामर और चैम्पियंस के फैंस एक दूसरे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप भी अगर इंस्टाग्रामर के फैंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या दोबारा चैम्पियंस और इंस्टाग्रामर का मैच होना चाहिए या नहीं, और अगर आप चैम्पियंस के हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि क्या आपको लगता है कि चैम्पियंस ने चीटिंग की होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।